नमस्कार। एम ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत प्यूषम कक्षा 8 की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, वीर अभिमन्यु त्रयोदश पाठ। आज हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्राचलत, यानी कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापतिः अवदत्। आरंभ में भीष्म कौरव पक्ष से पितामह भीष्म सेनापति थे। दश दिनानि स युद्धम अकरोत्, उन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया। ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्यः सेनापतिः अभवदत्, तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। स पंच दिनानि सेनापतिः आसीत्, वह 5 दिनों तक सेनापति रहे। पंचदशे दिवसे सः वीरगति प्राप्तवान्, 15वें दिन उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। तदंतरं कर्णः, उसके पश्चात कर्ण दिन दवय पर्यंत सेनापति अवदत्। इसके बाद कर्ण 2 दिनों तक सेनापति हुए। तस्मिन वीरगति प्राप्ते, उन्हें जब वीरगति प्राप्त हो गई तब अर्ध दिनम मातुलः शल्यः युद्धम कृतवान्, तब आधे दिन मामा शल्य ने युद्ध किया। शेषः दिवसार्धे भीम दुर्योधनयोः गदा युद्धम अवदत्। शेष आधे दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्यः, यानी कि इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति आसीत, कौरव पक्ष के सेनापति हुए। तदा दुर्योधनः स्वविजये द्रोणाचार्यः अति अताराम प्रार्थितवान्, तब द्रोणाचार्य ने अपनी विजय के लिए बहुत अधिक प्रार्थना की। द्रोणाचार्य अकथयत। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित् सन्निहितः न भवेत्, यदि अर्जुन युद्ध कदाचित किसी कारण से युद्ध में शामिल ना हो, तदा नूनम तब जयो भवेत्, तब हमारी जीत निश्चय ही होगी। इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षीयः, ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष का संक्षप्त नामकः वीर वरः अर्जुनम युद्धवाय आहुय अन्यत्र दूरम नितवन्तः, यानी कि ऐसा सुनकर के दुर्योधन पक्ष का संक्षप्तक नामक वीर अर्जुन को युद्ध स्थल से कहीं दूर ले गया। अयमेव अवसर, यही अवसर है। इति मत्वा द्रोणाचार्य, यह सोच करके द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचितवान, चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम पांडव पक्षे को अपि अर्जुन दयः न अजानात, यानी कि इसका भेदन अर्जुन के अलावा पांडव पक्ष में कोई नहीं जानता था, इसीलिए उन्होंने इसी समय जो है चक्रव्यूह की रचना करने की सोची। पाठ के अगले भाग की वीडियो देखना ना भूले। थैंक यू।